नमस्कार आप सभी का, बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, आज तीसरा दिन है और हमारे साथ कैंडिडेट बहुत लगातार जुड़ रहे हैं। एक कैंडिडेट अभी बाहर आई है, मैम शायद पहले से जॉब में भी हैं, तो मैम आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपकी जॉब जानना चाहेंगे, आप किस में कार्यरत हैं इस टाइम। मेरा नाम हर्षिता है और मैं अभी ललितपुर में आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर के तौर पर कार्यरत हूँ और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट उज्जैन मध्य प्रदेश है और ये मेरा यूपी पीसीएस का तीसरा प्रयास है और दो इंटरव्यू मैंने दिया और एक में मेरा सिलेक्शन हुआ और एक में इंटरव्यू के बाद मुझे पोस्ट नहीं मिली थी। अभी इस बार मतलब एसडीएम के लिए मैम पूरी चाह रही हैं कि कैसे भी करके एसडीएम की पोस्ट मिल जाए। कितना देर तक आपका इंटरव्यू चला मैम? मेरा 30 मिनट इंटरव्यू चला और अच्छा हुआ इंटरव्यू। मतलब अब अच्छा 30 मिनट का मतलब होता है कि मैराथन पारी खेली गई है, क्योंकि 35 मिनट अभी कल एक कैंडिडेट थे वो 35 मिनट्स अपना बताए, वो लगभग आधे घंटे ही हो जाता है। अच्छा, सवाल किस तरीके से पूछे गए आपसे, क्योंकि आप जॉब में भी पहले थी? तो मेरा तो जब सबसे ज़्यादा जॉब से पूछा गया इंटरव्यू और जॉब के साथ साथ मेरी हॉबीज़ पे काम किया और उन्होंने पूछा कि करंट अफेयर के मुद्दे ज़्यादातर पूछे और मुझसे इथिक्स के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे कि इथिक्स में आप जब मॉरल डिलेमा की सिचुएशन में होगी तो क्या करोगी, तो इथिक्स ज़्यादा था मेरे इसमें और करंट अफेयर था थोड़ा। करंट अफेयर भी पूछा गया था। अच्छा मैम, जब प्रीलिम्स की आप शुरुआत मतलब यूपीएससी आप दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं? हाँ, मैं यूपीएससी दे रही हूँ, अभी अटेम्प्ट्स बचे हुए मेरे, दे रही हूँ अटेम्प्ट्स सभी। प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि कोई भी आपका मीडियम क्या है मैम? हिंदी मीडियम। हिंदी माध्यम वाले अब ध्यान से सुन लें, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र और तमाम यूपी और एमपी बिहार वाले हिंदी माध्यम पे ही बहुत ज़्यादा आश्रित रहते हैं, तो हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए प्रीलिम्स के लिए अभी प्रीलिम्स 17 मार्च को आने वाला है और आरओएआरओ भी एक तरीके से 11 फरवरी को है, तो दोनों की तैयारी सेम ही रहती है, तो प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी अपना है, क्या फंडा प्रीलिम्स के लिए अपनाना चाहिए कैंडिडेट्स को? सबसे पहले तो कि माध्यम कोई बैरियर नहीं होता है, हिंदी हो या अंग्रेजी माध्यम, हिंदी मीडियम से भी यूपीपीसीएस में अच्छे सिलेक्शन हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो ये करिए कि यूपीपीसीएस के जो पुराने साल के पेपर हैं तो यूपीपीसीएस के पुराने साल के पेपर को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, याद करिए, उनका एनालिसिस करिए कि आपकी कमी कहाँ है। सारी चीज़ें अभी बंद कर दीजिए पढ़ना, सिर्फ सबसे पहले पुराने साल के पेपर उठा लीजिए। अब उसके बाद आप हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हिसाब से देखिए कि क्या पूछा जा रहा है और जो चीज़ें पूछी जा रही है उस पर बहुत ध्यान दें और करंट अफेयर के लिए एक साल का जो पढ़ ले। हाँ, जो भी है। हाँ, अच्छा मैम ये बताइए कि आपने तैयारी कब से शुरू की और आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या था? मैंने 2017 से तैयारी शुरू करी और 2018 पीसीएस में मेरा एक्साइज में सिलेक्शन हो गया था और तब से मैं दे रही हूँ लगातार। ग्रेजुएशन में मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बीएससी है मेरा। अच्छा, बीएससी के बाद फिर आपने यहाँ से तैयारी करना स्टार्ट की। आपने कोचिंग मैम की थी कि नहीं? हाँ, कोचिंग तो की थी मैंने। कहाँ पे की थी कोचिंग? दिल्ली में की थी कोचिंग, लेकिन दिल्ली में मैम ने कोचिंग की थी। अच्छा, ये जो एक कोचिंग का एक जो बाहर है कि कोचिंग करना है तभी अमृत का पान होना है, तभी सिलेक्शन होना है, बिना कोचिंग के कुछ नहीं हो सकता, तो आप अपनी इस तैयारी के दौरान कोचिंग का कितना बड़ा रोल समझती हैं? देखिए, अगर कोचिंग नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल समस्या की बात नहीं है, क्योंकि कोचिंग से कुछ होना बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मैं शुरुआत में थी तो मेरे फैमिली से कोई इस फील्ड में नहीं था तो मुझे गाइडेंस के लिए कोचिंग की आवश्यकता लगती थी, लेकिन जब मैंने तैयारी शुरू करी तब उतना ऑनलाइन चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आजकल ऑनलाइन चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि यदि आप कोचिंग ना भी करेंगे तो 1% आपका नुकसान नहीं है किसी चीज़ का और आप ऑनलाइन चीज़ें करके उसको मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि कोचिंग में कई बार थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है कि हम ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, और अगर हम सेल्फ पढ़ेंगे तो हम चीज़ें कंसाइज पढ़ेंगे और थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे और हमारा जल्दी सिलेक्शन होगा, ऐसा मुझे लगता है कोचिंग के बाद। अच्छा मैम, कोई एक ऐसी वजह जिसके लिए आप जो है यूपी पीसीएस या यूपीएससी यूपी पीएससी में क्रैक करना चाहिए, वहाँ से आप तैयारी शुरू की, कोई एक वजह बताइए? नहीं, वजह तो यही है कि मैं अपना जो सेल्फ सेटिस्फाई कर सकूँ कि मैं यहाँ आई हूँ, इस वर्ल्ड में आई हूँ, तो मैं अपने कामों से लोगों को कैसे अच्छा महसूस करा सकूँ, उनके लिए कुछ कर सकूँ, यही मेरे मन में है कि बस थोड़ा सा खुद के लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए और थोड़ा सा दूसरों की खुशी के लिए काम करूं मैं, यही। आप इसमें पोस्ट में भी हैं, इंस्पेक्टर हैं मैम, और बहुत सारे ऐसे मामले भी आते होंगे जहां पे मैम को टैकल करना पड़ता होगा। अभी पेपर 5 और पेपर 6 इस बार यूपी पीसीएस से कर चुके थे, यानी ऑप्शनल हट चुका था, तो पहली मर्तबा था, पहला एक्सपेरिमेंट था, तो किस तरीके से आपने उस पेपर को पढ़ा और कैसे तैयारी की उस पेपर की? मैंने 5 और 6 के लिए मार्केट से मटेरियल लिया था और अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे सिलेबस के हिसाब से, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, और चूंकि पेपर थोड़ा टफ आया था, इस तरह से आया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे थे, तो वो मैंने तैयार किया था, वो फर्दर मटेरियल के रूप में उसको यूज़ किया, तो अच्छा एवरेज हो गया,
सिलेक्शन तो हो गया मेंस में, अब देखो मेंस में सिलेक्शन हो गया है। अच्छा एनसीईआरटी जो एक बहुत बड़ा सवाल है, अभी बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहे होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट पढ़ भी रहे होंगे, तो जो भटकाव बीच में होता है एनसीईआरटी का, जो एक तरीके से जो दिमाग में रहता है बिना उसको पढ़े कुछ होगा ही नहीं, तो एनसीईआरटी आपने पढ़ी थी, अगर पढ़ी थी तो कैसे पढ़ी थी, पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? हाँ, तो 9th, 10th, 11th, 12th के कुछ विशेष सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, और एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है, और कोचिंग के नोट्स से थोड़ा सा बचना चाहिए शुरुआती बच्चों को। सबसे पहले एनसीईआरटी की तैयारी का अच्छे से एनसीईआरटी पढ़े जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इतनी परीक्षा कठिन होती नहीं है, बना दी जाती है कठिन थोड़ा सा, तो हमको एनसीईआरटी का सहारा लेना है और न्यूज़पेपर का सहारा लेना है बेसिक, और यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देख के मैनेज हो जाएगा। मैम न्यूज़पेपर आप कैसे पढ़ती थी, करंट मतलब आपने कहाँ से तैयार किया था, न्यूज़पेपर आप कैसे पढ़ती थी? करंट अफेयर के लिए मैं ओनली आईएएस का चैनल फॉलो करती हूँ, उसमें हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सुनाते हैं, तो वही उसी से मैं तैयार करती हूँ, न्यूज़पेपर में से पढ़ती नहीं हूँ लेकिन उसको सुनती हूँ न्यूज़पेपर को, ओनली आईएएस से। अच्छा ओनली आईएएस से मैम सुनती हैं मतलब। अच्छा नोट्स कैसे बनाया जाता है, मतलब एनसीईआरटी अगर पढ़ें बच्चे तो नोट्स कैसे बनाएं? अभी नोट्स बनाने की एनसीईआरटी की शुरुआत में आवश्यकता नहीं है, अगर आप बेसिकली एनसीईआरटी में ये हाईलाइट कर लें और नोट्स की अभी एनसीईआरटी में ना बनाएं, बाद में नोट्स बनाएं एनसीईआरटी मिला के और अपना स्टैंडर्ड बुक मिला के छोटा नोट्स बनाएं, हर चीज़ का नोट्स भी नहीं बनाना है क्योंकि चीज़ें समझना है पहले अच्छे से। अच्छा मैम जैसे कि अभी आप कार्यरत भी हैं तो कितना घंटे आप पढ़ती थी, और स्टार्टिंग में जब आपको सिलेक्शन पाना था तब कितना घंटे पढ़ती थी, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलता भी नहीं होगा आपको, तो स्टार्टिंग का भी बताइए और अभी का, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं 18 घंटे पढ़ना है, 20-20 घंटे पढ़ना, खाना पीना छोड़ देना है, उसके बाद क्या? शुरू में पूरा दिन पढ़ती थी मैं, शुरुआत से लेकर रात तक, लेकिन अभी ऑफिस की वजह से समय नहीं मिल पाता है तो मैं रात में पढ़ती हूँ और ठीक ठाक पढ़ती हूँ, अभी उतना ज़्यादा पढ़ भी पाती हूँ। रात में कितना देर पढ़ती हैं, थोड़ा सा गुरु मंत्र बता दीजिए बच्चों को। अभी मैंने शुरू किया है पढ़ने यूपीएससी के लिए, तो रात को 4-5 बजे तक शुरू किया है मैंने पढ़ने का, क्योंकि दिन में मेरा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है जॉब की वजह से, कॉल वजह से, फ़ोन वगैरह की वजह से, तो रात सबसे अच्छी होती है पढ़ने के लिए, जैसे शेड्यूल स्विच ऑफ रहता है। नहीं फ़ोन अब रात में कौन करेगा। अच्छा तो अभी यूपीएससी का भी तैयारी मैम करना स्टार्ट कर रही हैं, अभी उनके अटेम्प्ट्स बचे भी हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार एसडीएम की पोस्ट पे हो जाए, और थैंक यू। आप ऐसे ही जैसे सेवा कर रही है समाज की वैसे सेवा करते रहें, आपने बहुत अच्छी तरीके से सवालों का जवाब दिया। आखिरी के समय में कुछ बता दीजिए, अभी 2 महीने बचे हुए हैं, बच्चे एकदम ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी, क्या फंडा होना चाहिए? ताबड़तोड़ मेहनत करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले यूपीपीसीएस के पुराने साल के पेपर उठाइए, मैंने 2016-17 से 4-5 साल के पेपर देखे थे जीएस के, और मैंने हर हिस्ट्री में मैंने प्रश्नों के साथ साथ टेंडेंसी देखी थी कि किस प्रवृत्ति के प्रश्न है, कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य फोकस है या मौर्य काल है या कोई विशेष राजा है या भारत छोड़ो मतलब आज़ादी की बात का तो इम्पोर्टेंट होता ही है, तो आप पहले नोट्स बना लीजिए कि हिस्ट्री में ये 4 टॉपिक से यूपीपीसीएस पूछ रहा है, अब उस 4 टॉपिक को खूब पढ़िए, जैसे इतना सारा पढ़ने के बजाय हम ऐसा करें कि थोड़ा सा पढ़ें और वही पढ़ें जो एग्ज़ाम में बार 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 पूछ रहे हैं, जैसे साइंस में वो लोग साइंस में जैसे लौंग क्या होता है, हल्दी क्या होती है, तना बेसिकली चीज़ें पूछते हैं, और जैसे करंट अफेयर में राष्ट्रपति का नाम जो नए बने हैं इंडेक्स पूछेगा, या कहीं समिट होने वाला है G20 का G7 का, तो ये तो हमको पहले से पता हो जाना चाहिए। मैंने इस बार मैंने किताबें और नोट्स बना लिया था छोटा सा कि मुझे इन चीज़ों पे बहुत फोकस करना है, और मैंने 10 दिन तैयारी करी थी, प्रीलिम्स हो गया था मेरा 10 दिन की तैयारी में, प्रीलिम्स हो गया था, ऐसे तैयारी करिए 10 दिन की तैयारी में प्रीलिम्स, यानी कि शॉर्ट नोट्स मैम ने बनाए थे और इस चीज़ों पे फोकस किया था। अच्छा मैम आप एमपी से हैं, उज्जैन से यूपी का सफ़र कैसा रहा, और आखिर क्या वजह रही कि आप यूपीपीएससी पे ज़्यादा फोकस की, एमपीपीएससी आपने ट्राई नहीं किया अभी? मैं एमपी में मेरा नायब तहसीलदार की पोस्ट पे चयन हुआ है, अभी हाल ही में रिजल्ट आया है। एमपी में चूंकि कुछ दिनों से परीक्षाएं थोड़ी लंबित चल रही थी, तो इसीलिए यूपी में मेरा सिलेक्शन जल्दी हो गया, अब मैं हालांकि एमपी का भी अटेम्प्ट दे रही हूँ अच्छे से, और चूंकि मेरा गृह राज्य है तो मैं प्राथमिकता में मध्य प्रदेश की। यूपी छोड़ के मैम मध्य प्रदेश चली जाएंगी, सिलेक्शन भी हो चुका है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं एसडीएम पे पोस्ट पे सिलेक्शन हो तो मैम यहीं बनी रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर एसडीएम पद पे होता है तो मैं यहीं रहूँगी। चलिए मैम उम्मीद करते हैं कि आपका एसडीएम पोस्ट पे सिलेक्शन हो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम। थैंक यू।